दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने को लेकर इन दिनों चार धाम के तीर्थ पुरोहितों में भारी गुस्सा है। गुस्सा इतना कि तीर्थ पुरोहित ईंट से ईंट बजाने की बात पर उतर आए हैं। ऐसा नहीं है कि केदारनाथ मंदिर की फ्रेंचाइजी दिल्ली में खोली जा रही हो। इससे पहले भी सिक्किम सरकार ने नामची में चार धाम नाम से एक धार्मिक स्थल बनाया है, जिसमें बद्रीनाथ धाम की हूबहू कलाकृति के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर धार्मिक पर्यटन को अपनी ओर आकर्षित करने का मनोरम केंद्र स्थापित किया है। श्रद्धालुओं को आज हम एक और बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराएंगे, जिसकी स्थापना 2011 में सिक्किम राज्य में हुई है। तो देखिए हमारी रिपोर्ट, मैं हूं डॉक्टर विपिन चंद्रा। यह है सिक्किम का बद्रीनाथ मंदिर। हूबहू उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित भगवान विष्णु की तपोस्थली बद्रीनाथ धाम से मेल खाता है। अगर आप भी कभी यहां पहुंचे तो हैरान ना हो। आपको बताते हैं कि किस जगह पर मौजूद है यह मंदिर। लिया जाए आज से 14 साल पहले साल 2011 में सिक्किम के नामची में सोलोफोक हिल नामक जगह पर रंग बिरंगी बद्रीनाथ मंदिर की प्रतिकृति स्थापना की गई थी। इस मंदिर में उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की तरह ही पूजा पाठ और अनुष्ठान किए जाते हैं। साथ ही जिस भी सनातनी को भारत के चारों धामों बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम जाने का मौका नहीं मिलता, उसे सिक्किम का यह मंदिर चारों धामों के दर्शन एक ही जगह पर करवा देता है। सिक्किम में स्थित इस जगह को श्रद्धालु सिद्धेश्वर धाम के नाम से भी जानते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं इस मंदिर के मुख्य पुजारी कपिल मुनि क्या कहते हैं। मैंने बनाया है, इसका शिलान्यास हुआ था 2005 में और 8 नवंबर 2011 से ये स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर चारों धाम है, जो भारत के चारों दिशाओं में चार धाम है, बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिका और 12 ज्योतिर्लिंग है। सभी 12 ज्योतिर्लिंग तो अलग अलग स्टेट में है और चार धाम और 12 ज्योतिर्लिंग और सिद्धेश्वर धाम है, जो बड़ा स्टैचू है उसके नीचे में शिव परिवार है और हाल में शिव जी की लीलाओं को वहाँ पर दिखाया है सर। इसके साथ में किरातेश्वर महादेव भी है और यहाँ पर शिरडी साई का भी बनाया हुआ है। इतने यहाँ पर इस परिसर में सभी तीर्थों को एक ही साथ में बनाया। ये सिक्किम गवर्नमेंट के अंदर में है, गवर्नमेंट ने बनाया है इसका। अब ये जो पहले जो इस बनाने का उनका ये सोच था कि सभी तीर्थों को एक ही साथ में बनाएंगे और जहाँ जैसा ऐसा बनाया है वहीं से लाया है और वहाँ से ला करके विधिवत जो स्वरूपानंद जी थे शंकराचार्य, उन्होंने कर कमलों से यहाँ का पूरा प्राण प्रतिष्ठा हुआ है सर। और जहाँ जैसा वहाँ का मिट्टी ला करके विधिवत यहाँ पर एक किया हुआ है। अब सवाल है कि क्या पौराणिक मंदिर उनकी मुख्य जगहों से दूसरे स्थानों पर इस तरह बनाया जाना उचित है? देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई बॉलीवुड की नामचीन हस्तियां धाम में दर्शन करने पहुंचती हैं। ऐसे में क्या उन्हें इन मंदिरों के ब्रांचों से भी वही पूर्ण लाभ अर्जित हो पाएगा? क्या आपको पता है कि सिक्किम सरकार में चारधाम नाम से बने पर्यटन स्थल में बद्रीनाथ मंदिर बनाया गया है और दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर की इस कंट्रोवर्सी को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।